हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 12th केमिस्ट्री का पहला चैप्टर सॉल्यूशन। और इस सॉल्यूशन चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, जब ये चैप्टर अपना फिनिश हो तो हमें क्या क्या सीखने को मिलना चाहिए। हमको मिलना चाहिए कि सॉल्यूशंस कितने तरीके, सॉल्यूशंस क्या होता है, सॉल्यूशंस की डेफिनेशन हमें समझ में आनी चाहिए, होमोजीनियस किसे कहते हैं, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट किसे कहते हैं, सॉल्यूशंस कितने तरीके के होते हैं, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस सीखना पड़ेगा हमें, कंसंट्रेशन हमें आ जाना चाहिए, कंसंट्रेशंस की कितनी यूनिट्स होती हैं ये हमें मालूम होनी चाहिए, हेनरीज लॉ क्या होता है, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस, राउट्स लॉ क्या होता है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज और एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होते हैं। तो बेसिकली इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव आप समझ रहे हो कि आपको क्या क्या समझ में आना चाहिए, क्या क्या आपको याद होना चाहिए। तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं अपना पहला चैप्टर। ये जो मेन ऑब्जेक्टिव थे इनके बाद जो है अपना पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, सॉल्यूशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन किसे कहते हैं, सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू आर मोर देन टू कंपोनेंट्स। होमोजीनियस, या इसको ऐसे भी कह सकते हो कि ओनली सिंगल फेज, अ मिक्सचर विथ ओनली सिंगल फेज इज नोन एज सॉल्यूशन। आप डेफिनेशन रखते हो ना किताब की, किताब की डेफिनेशन क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू आर मोर देन टू कंपोनेंट इज नोन एज सॉल्यूशन। अब यहां दो चीजों का बड़ा पॉइंट आउट करना है, एक तो होमोजीनियस और दूसरा कंपोनेंट्स, राइट, होमोजीनियस एंड कंपोनेंट। लेकिन बिसाइड दिस इस डेफिनेशन के एक डेफिनेशन और सिंपल हम लोग कह सकते हैं कि एनी मिक्सचर विथ ओनली अ सिंगल फेज इज नोन एज ट्रू सॉल्यूशन, जिसमें सिर्फ एक फेज हो। जैसे नमक को पानी में डिसॉल्व कर दीजिए, सॉल्ट को वाटर में डिसॉल्व कर दीजिए, शुगर को वाटर में डिसॉल्व कर दीजिए, कैसा बनता है, सॉल्ट कैसा है, सॉल्ट सॉलिड स्टेट में, फिजिकल स्टेट सॉलिड, और वाटर किस में है, लिक्विड स्टेट में है। लेकिन जब दोनों को मिक्स कर हम एक में लेकर आते हैं तो हमें जो फाइनल सॉल्यूशन मिलता है उसमें सिर्फ एक फिजिकल स्टेट दिखाई देती है, दैट इज लिक्विड। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो होमो सॉल्यूशन को हम लोग कह सकते हैं एनी मिक्सचर विथ ओनली अ सिंगल फेज इज नोन एज सॉल्यूशन, या फिर अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू आर मोर देन टू कंपोनेंट्स इज नोन एज सॉल्यूशंस। अब आप यहां याद रखिएगा, जरूरी नहीं है कि सिर्फ दो ही कंपोनेंट हो, दो से ज्यादा कंपोनेंट भी हो सकते हैं सॉल्यूशन में। आप पानी में नमक और चीनी भी डिसॉल्व कर दीजिए, नाउ यू हैव थ्री कंपोनेंट्स, राइट। अब इस सॉल्यूशन में बात आती है होमोजीनियस हम किसे कहते हैं। होमोजीनियस का मतलब होता है देयर इज नो डिस्टिंक्ट बाउंड्री बिटवीन कंपोनेंट्स। होमोजीनियस का मतलब होता है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉल्यूट थ्रू आउट द सॉल्यूशन। अगर हम एक सॉल्यूशन ले लें, चीनी को पानी में डिसॉल्व कर दें, चीनी को पानी में डिसॉल्व करने के बाद चाहे हम सॉल्यूशन के अपर मोस्ट से एक स्पून का टेस्ट करें या बॉटम से एक स्पून का टेस्ट करें, दोनों का जो टेस्ट आएगा वो हमारे लिए क्या है, सेम। तो टेस्ट इज नॉट बिकॉज ऑफ वाटर, टेस्ट इज बिकॉज ऑफ द शुगर पार्टिकल। तो शुगर पार्टिकल इसका मतलब सॉल्यूशन में ऊपर और बॉटम पर दोनों जगह इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड थे। तो सच सॉल्यूशंस जिसमें कि सॉल्यूट पार्टिकल यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट होता है थ्रू आउट द सॉल्यूशन क्या कहलाता है, होमोजीनियस कहलाता है। या यू कैन से, मान लो आपके पास दो रूम है, तो दो एक हॉल है और हॉल के बीच में आपने पार्टीशन कर दिया, तो आप क्या कहेंगे, दो रूम। लेकिन अगर उस पार्टीशन को हटा दीजिए तो आप उसे क्या कहते हैं, सिंगल रूम, सिंगल फेज। तो याद रखिए, अगर हमारे पास सॉल्यूट है और दूसरा सॉल्वेंट है तो सॉल्यूट की अपनी खुद की डिस्टिंक्ट बाउंड्री है, क्लियर बाउंड्री है, और सॉल्वेंट की अपनी एक क्लियर बाउंड्री है। लेकिन जब आप इन दोनों को मिक्स करते हो तो बाउंड्री बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट विल बी डिसॉल्व। क्या बन गया यहां पर, जब दोनों के बीच की बाउंड्री खत्म हो गई, अब वो दो नहीं रह गए, अब वो कैसे हो गए, एक बन गया, दैट इज कॉल्ड सॉल्यूशन, होमोजीनियस सॉल्यूशन। क्लियर, होमोजीनियस क्या होता है, क्लियर।